नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए आज भाषा माधुरी का हमने जो पाठ कल पढ़ा था ठीक काम करें पाठ दो, आज उसका हम अभ्यास करेंगे। ओके बेटा, ये है आपका पेज नंबर 5। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट लिखनी है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो हमने पहला पढ़ा फूल तोड़ने चाहिए, तो फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम लगाएंगे गलत। दूसरा है, खून बहने पर दवाई लगानी चाहिए। खून जब हमें आता है तो हमें दवाई लगानी चाहिए, ठीक बात है, तो ये हमारा सही है। तीसरा है, गीता अपने गलत काम करने पर पछताई, क्योंकि उसने केले का छिलका सड़क पर फेंका था, तो हाँ जी वो बस अपने काम करने पर पछताई थी गलत काम पे, तो ये ठीक है। उसके बाद है नंबर 4, गलत काम का गलत नतीजा होता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका नतीजा भी गलत होता है, सही बात है, क्योंकि जैसे गीता ने केले का छिलका फेंका तो बूढ़े बाबा फिसल गए, राजू ने फूल तोड़े तो उसकी अंगुली में कांटा लग गया, अब इसलिए ये हमारा क्या है, ठीक है, तो ये सही बात है। उसके बाद आओ फूल तोड़ते हैं, ये सेकंड है, किसने कहा लिखिए। दूसरा है, किसने कहा लिखिए आओ फूल तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फूल तोड़ने की बात किसने कही थी, राजू, तो आपने लिखना राजू ने, राजू अलग है ने, ओके। उसके बाद दूसरा है, राजू की अंगुली में उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है, तो ये किसने कहा था उसकी अंगुली से खून बह रहा है, मोहन ने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन ने, ठीक है बेटा। उसके बाद लाइन लगाएंगे, उसके बाद देखिए, देख लिया ठीक काम न करने का नतीजा, क्योंकि बूढ़े बाबा फिसल गए थे तो उन्होंने कहा कि देख लिया ठीक काम करने का नतीजा रमेश ने, किसने बोली थी ये बात, रमेश ने। अगर आप पाठ को पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये किसने कहा था। उसके बाद है, बस बच ही गया बेटा, तो कौन गिर गया था, बूढ़ा बाबा, तो इसलिए ये शब्द किसने कहे थे, बूढ़े बाबा ने, ठीक है बेटा, ये हो गए नंबर 4। नंबर 5, बाबा हम समझे नहीं, जब उन्होंने कहा था कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो वह भूला नहीं कहलाता, तो ये बात उन्होंने बोली थी कि मोहन ने, कि हम आपकी बात नहीं समझे, तो मोहन ने, ठीक है बेटा। ये हमारा इसका किसने कहा है, मैंने अलग अलग करके लिखी, आपने जैसे सीक्वेंस है वैसे ही लिखने हैं। अब है वाक्य पूरे कीजिए, वाक्य पूरे कीजिए में पहला है, नहीं उधर नहीं जाओ। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कुछ क्या नहीं है, कुछ नहीं क्या है, उसके बाद होता, हमें मैच कर देना है। उसके बाद तीसरा है, कोई कोई क्या नहीं कर रहा, कोई देख तो नहीं रहा, यहाँ पर आके इसको नीचे मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से वह देखो क्या हो गया, वह देखो बूढ़े बाबा क्या हो गए थे, फिसल गए। उसके बाद बस बच ही गया बेटा, और उसके बाद लास्ट में बाबा हम क्या नहीं हुए, समझे नहीं। तो इस तरह से हमने मिलान करके इनको अपने वाक्य पूरे कर लेते हैं। तो आज का काम आपका इतना ही है कि आपने ये पेज नंबर 5 कंप्लीट करना है, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।